हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप अपना मोबाइल पे जैसे किसी व्यक्ति को अपने मोबाइल में जैसे डाटा होता है और आप अपने डाटा को किसी को देना चाहते हैं, जैसे वाईफाई कनेक्ट कराने के लिए हॉटस्पॉट देते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके हॉटस्पॉट पर वाईफाई पासवर्ड नहीं लगा रहता है तो आपका जो वाईफाई से जो है डाटा कोई और भी चलाने लगता है, जिससे आपका MB बहुत तेज़ी से खपत होता है, खर्च होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हॉटस्पॉट यानी वाईफाई पर अगर अपना पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल में अपने हॉटस्पॉट अपने वाईफाई पे पासवर्ड कैसे लगाएंगे, ताकि सामने वाले व्यक्ति को जो जब भी अगर कोई कनेक्ट कराना चाहेगा तो उसको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप पासवर्ड बताएंगे तभी जाके वो आपका वाईफाई कनेक्ट होगा। तो कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं, सीख लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल का अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल की सेटिंग है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के से दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ से दोस्तों स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बटन लिखा हुआ है पोर्टेबल हॉटस्पॉट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपसे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ मैं आपको एक सेटिंग दिखा देता हूँ, कनेक्टेड डिवाइस का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप मैनेज कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा कितने आप अगर कितने वाईफाई कनेक्ट कराना चाहते, कितने मोबाइल कनेक्ट कराना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं लिमिट ऑफ कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों अगर अनलिमिटेड पे क्लिक रहेगा तो आप जितने भी मोबाइल पे कनेक्ट कराना चाहेंगे आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाएगा, वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं 6 नंबर तक हैं, और उसके बाद अनलिमिटेड पर अगर क्लिक करेंगे तो जितने चाहें उतने आप कनेक्ट करा सकते हैं वाईफाई से। तो इस पर आप अगर एक पे रखे रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर पासवर्ड पर जिसको पता भी रहेगा तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मोबाइल में कनेक्ट होगा, तो आप सेलेक्ट रखे रहेंगे। उसके बाद से यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके मोबाइल का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बगल में देख सकते हैं पासवर्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ से दोस्तों मैं आपके ऑप्शन पे देख सकूँ तो देख सकते हैं हमारा पासवर्ड ये हमने डाला हुआ है अपने वाईफाई पर अपने हॉटस्पॉट पर। यहाँ से दोस्तों जब सामने वाला व्यक्ति जब कनेक्ट कराना चाहेगा तो यही पासवर्ड उसमें मांगेगा, जब ये पासवर्ड डालेगा तब उसके बाद से कनेक्ट होगा। अगर दोस्तों इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे मान लीजिए इसको हम बैक कर देते हैं, बैक करने के बाद से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं सब बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या जो भी आप लिखना चाहते हैं बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से देख सकते हैं टिक का मार्क है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। अब सामने वाला व्यक्ति जो आपके मोबाइल को कनेक्ट नहीं करा पाएगा, कोई भी व्यक्ति होगा कनेक्ट नहीं करा पाएगा जब तक आपका यह पासवर्ड नहीं लगता है। इस तरीके से दोस्तों आप भी अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपने वाईफाई पे, ताकि आपका जो डाटा सिक्योर रहे, आपका डाटा ज़्यादा खर्च ना हो, फालतू का यूज़ कोई ना कर पाए, इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।